आज हम बनाएंगे गोभी आलू की एकदम चटपटी मसालेदार सूखी सब्जी। हम इसे एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे और ये इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आपने एक बार बना ली तो हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आलू गोभी की सूखी सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम गोभी ले ली है। हमने गोभी को इस तरीके से कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है और हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को हमने इस तरीके से कट कर लिया है। आपको जैसे पसंद हो आलू और गोभी अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर, 1 मीडियम साइज की प्याज और 2 हरी मिर्च ली है। हम टमाटर, प्याज, हरी मिर्च को रफली कट करके ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे और बिना पानी डाले हम इनका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर हमारा पेस्ट बनकर तैयार है। अभी हम इसे एक साइड में रख देते हैं। अब हमें एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल ले लेना है। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है और यहाँ पर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गोभी डाल देंगे और अब हम इसके ऊपर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ में 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे और गोभी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ पर गोभी को तकरीबन 70% पकाना है तो हम कंटिन्यू चलाते हुए गोभी को 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमें गोभी को फ्राई करते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। हमारी गोभी 70% पक चुकी है। अब हम सारी गोभी को एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अब हम उसी ऑयल में आलू डाल देंगे। आलू को भी हम हल्का सा गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हमने आलू को भी गोल्डन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम सारे आलू को एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अब हम उसी ऑयल में 1 टीस्पून जीरा ऐड कर देंगे और साथ में 1 पिंच हींग ऐड कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर ऑयल कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल लीजिएगा। अब हम इन्हें हल्का सा भून लेंगे और जब हमारा जीरा हल्का सा भून जाएगा हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और अब हम लहसुन अदरक को भी कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर हमने लहसुन अदरक को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें जो हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट बनाया हुआ था इसमें ऐड कर देंगे और प्याज, टमाटर को भी 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर हमने प्याज और टमाटर को अच्छे से भून लिया है। इसके किनारों से ऑयल भी रिलीज होने लगा है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हमने यहाँ पर 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और साथ में 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, इसी के साथ 2 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है और हमने यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। यह कम तीखी होती है, इसे डालने से हमारी सब्जी का कलर अच्छा आता है। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। 1/2 टीस्पून नमक हमने गोभी फ्राई करते हुए भी डाला था। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लीजिएगा। और अब हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे जिससे हमारे मसाले जले ना। अब हमें सारे मसालों को मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। और यहाँ पर हमें मसालों को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मसालों में से ऑयल भी रिलीज हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए गोभी आलू ऐड कर देंगे। अब हम गोभी आलू को मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप इस तरह से आलू गोभी की मसालेदार सूखी सब्जी बनाकर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। और यहाँ पर हमने गोभी आलू को मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम पैन को कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम गोभी को 15 से 20 मिनट ढककर पकाएंगे और बीच में 1 से 2 बार चला लीजिएगा। अभी हमारी सब्जी को पकते हुए 8 मिनट हो गए हैं तो हम कवर हटाकर 1 से 2 बार चम्मच चला लेंगे। उससे क्या होगा, हमारी सब्जी नीचे नहीं लगेगी। अब हम इसे फिर से कवर कर देंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। और यहाँ पर हमारी सब्जी को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। हमारी सब्जी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल देंगे। इसी के साथ 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो कसूरी मेथी और गरम मसाला पाउडर पहले भी डाल सकते हो, लेकिन बाद में डालने से हमारी सब्जी का टेस्ट और भी ज्यादा जबरदस्त आता है। और अब हम सभी को अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिलाने के बाद अब हम लास्ट में चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। इसके बाद हम सर्व करेंगे। और इस तरह से गोभी आलू की मसालेदार सूखी सब्जी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। और आपने देखा, हमने इसे एकदम सिंपल तरीके से बनाई है। आप इस सब्जी को पूरी, पराठे, रोटी किसी भी तरह से सर्व कीजिए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको ये गोभी आलू की मसालेदार सूखी सब्जी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।